नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केसी अग्रवाल। आज हम इस पेरिनल प्लांट इक्चोरा के बारे में बात करेंगे। इसकी रिपोर्टिंग कैसे करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए इसकी सॉइल कैसे बनाएं, पॉट साइज क्या रखें और एक्स्ट्रा बूस्टर फर्टिलाइजर क्या डालें। तो चलिए हम आज बात करते हैं इक्चोरा के फुल केयर कैसे करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी सॉइल। सॉइल वेल ड्रेन और वेल फर्टिलाइज होनी चाहिए। इसके लिए गार्डन सॉइल 25%, सैंड 25%, राइस खस 25%, काउडंग फर्टिलाइजर 25%। अगर काउडंग फर्टिलाइजर ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। एक मुट्ठी नीम खली और थोड़ी सी फंगीसाइड। तैयार हो गई आपकी सॉइल। अब पॉट साइज की बात करें तो इसके लिए आपको 10 से 12 इंच का पॉट लेना है और उसकी होल को नीचे से किसी टिकरी से कवर कर देना है। उसके बाद इसमें सॉइल डालनी है ताकि जब भी आप पानी डालें तो इसकी मिट्टी बाहर ना निकल जाए, लेकिन सारा पानी ड्रेन होके बाहर निकल जाए, क्योंकि सॉइल और पॉट आपको वेल ड्रेन लेनी है। ये देखिए हमारा इक्चोरा का प्लांट, जिसे हमने नर्सरी से एक महीने पहले खरीदा था, लेकिन मानसून के मौसम में ही इसे रिपोर्टिंग करनी चाहिए ताकि आपके प्लांट को किसी तरह का शॉक ना लगे और वो अच्छे से ग्रो कर सके और फ्लावरिंग अच्छा कर सके। देखिए ये प्लांट बिल्कुल नीचे से इसके रूट्स निकल आए हैं। ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे हेल्दी हैं। जब भी आप नर्सरी से प्लांट खरीदने जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। उसकी रूट्स अच्छे डेवलप किए हों, उसकी मिट्टी अच्छी हो, वो ज़्यादा चिकनी मिट्टी में ना हो और उसके प्लांट्स में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़ों का अटैक ना हो। देखिए हमने नीचे इतनी ही सॉइल बिछाई है कि ये पॉट में सेट करने के बाद ऊपर से 2 इंच नीचे गहरा हो। नीचे से हमने मिट्टी डाल दी है और ये हम डाल रहे हैं इसमें एक एक्स्ट्रा बूस्टर। ये है हमारा खुद का बनाया हुआ 4 साल पुराना काउडंग फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर आपके प्लांट्स के लिए बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इससे आपके प्लांट्स में फ्लावर भर भर के आएंगे। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इस तरह के फर्टिलाइजर का यूज करें। अगर आपके पास काउडंग फर्टिलाइजर ना हो अवेलेबल तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने पहले इसमें फर्टिलाइजर डाल दिया जो कि एक्स्ट्रा बूस्टर है। उसके बाद जो हमने सॉइल बनाई थी उससे इसे पूरा फिल कर देंगे। ऊपर से गमले को 2 इंच खाली रखिएगा ताकि जब भी आप वाटरिंग करें तो ऊपर से मिट्टी बाहर ना आए। इस प्लांट की मिट्टी हमेशा हल्की नम रहनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। इसे हल्की नमी पसंद है, इसलिए इसमें हर रोज थोड़ी थोड़ी वाटरिंग करना जरूरी है। अभी हम इसमें एक और फर्टिलाइजर डालने वाले हैं जो इसके रूट्स को मजबूत बनाएगी और साथ ही इसके रूट डेवलपमेंट में काम आएगी। यह है DAP, डाई अमोनिया फास्फेट, जो आपके प्लांट्स के रूट्स को अच्छे से बढ़ाएगी, डेवलप करेगी और मजबूती बनाएगी। भी आप किसी प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं तो DAP का यूज जरूर करें। ये आपके प्लांट्स को बहुत जल्दी हेल्दी कर देती है और हेल्दी प्लांट्स में ढेर सारे फूल आते हैं। आपको इसके बाद दोबारा DAP का यूज नहीं करना है। 10 दिनों के बाद का रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारी कलियां ब्लूम कर गई और फ्लावर आ गए हैं और फ्लावर की साइज आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। ये देखिए फ्लावर की साइज, कितनी अच्छी फ्लावर की साइज आई है और अभी और फ्लावर खुल रहे हैं। हमारे पास रेड कलर का पुराना एक प्लांट है जिसकी फ्लावर की साइज आप देखिए बहुत ही अच्छी है। इसके लिए आप 10 से 15 दिन के अंतराल पे किचन वेस्ट फर्टिलाइजर या फिर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर यूज करें। साथ ही टी लीफ कंपोस्ट भी बनाकर यूज कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काम आएगा। तुम मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।